जग गया? हाँ आनंदी। कुछ भूल तो नहीं रहे तुम? हाँ मुझे याद आया, आज तो दादी साहब का बर्थडे है। अबे जगिया तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आनंदी। मेरा बर्थडे नहीं है जगिया, आज वैलेंटाइन डे है और ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच आनंदी, नई चेन सा। और तुम मेरे लिए क्या लाए हो? वो मेरी पॉकेट मनी सा खत्म हो गई इसलिए कुछ ला नहीं पाया, मैं पक्का पैसे जोड़ के कुछ लाऊंगा। छगिए बहन के जो बिना पैसों के चाहिए वो तो दे नहीं दिया, पैसे जोड़ के जरूर लाएगा। दूंगा, एग्जाम के बाद देता हूँ ना। पक्की बात? अभी थोड़ी स्ट्रेस है। हाँ अभी थोड़ा स्ट्रेस है और टाइम भी कम है। खत्म करती हूँ स्ट्रेस। नहीं नहीं अरे बात तो, अरे नहीं यार मुझे मसाज आती है। Hi guys, मैं हूं मेरे साथ शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और इस हफ्ते हमने देखी इस साल की सबसे रोमांचक फिल्म जिसका नाम है दिल्ली इलेक्शन के नतीजे। जी हाँ गाइस, जश्न मना रहे हैं जीत का कौन से गाने पे? रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा पे। वो गलती एक्सीडेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, अंदर से सब मीम मेकर्स ही हैं। सबका पेज चल रहा रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स। ट्रिन ट्रिन हेलो। हाँ एक छोटा सा ऑर्डर था। आप कौन बोल रहे हैं? एमटी। अच्छा बोलिए। आप फर्नीचर वाले ना? हाँ जी। तो 48 सीटें चाहिए थी। रख तेरी माँ का, रख। सुनो सुनो सुनो। हाँ। तो अगर आपके पास कोई अंडे वंडे वाला हो तो भैया मैं ऑमलेट खाऊंगा। Anyway guys, इस हफ्ते हमने देखी लव आजकल 2 and the first word that we have to say about the film is that it's a decent film with enough flaws. Exactly. और बस सबसे खराब बात यही रही कि पूरे थिएटर के अंदर मैं और ज़ैनी थे, सिंगल थे यार। हम दोनों दोनों सीटें आधी आधी राजेश के हाथ पे रखे हुए, उतना तेरा उतना मेरा। वो बेचारा आधा वो सिंगल था, आधा बढ़वा तेरा आधा बढ़वा। एनीवे गाइस, अब हमने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। हमारा एजेंडा है से नो टू अजीनोमोटो, क्योंकि अजीनोमोटो के साथ बिल्कुल वही बात सच बैठती है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और मेरी ऑनेस्टी तो इसी बात पे जीतती है, मैंने लिखा दिस इज अ ब्लैक टी शर्ट। बट फाइनली कोई अजीनोमोटो से भी बड़ा नशा किया होगा आदमी कि उसको ये ब्लैक लगी। बट एनीवे गाइस, हमें फाइनली पर्सनलाइज्ड टी शर्ट अब हम पहनने जा रहे हैं। सो या वी आर रियल इन्फ्लुएंसर्स, रियल इन्फ्लुएंसर्स। तो इस फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन, जिन्होंने की प्ले किए हैं दो कैरेक्टर। पुराने जमाने में एकदम क्लीन शेव करके बन जाते हैं रघु, और मॉडर्न डे थोड़ी स्टबल बियर्ड के साथ बन जाते हैं राजीव। राजीव नहीं, गंजा होना पड़ता है उसके लिए, गंजा होना पड़ता है। रघु राजीव नहीं, रघु और वीर। देश में तीन ही मशहूर गंजे हैं, रघु राजीव और वाहे गुरु। उनके दो कैरेक्टर्स हैं जो फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है। उसमें उनका कैरेक्टर एक लवर बॉय का है जो अपनी प्रेमिका के लिए पूरी दुनिया छोड़कर आ जाते हैं, और वो जो करंट लव स्टोरी उनमें उनका कैरेक्टर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का है जो कि बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं और इश्क लड़ा रहे हैं। सेम ही हो गया वैसे देखा जाए तो। क्या नौकरी की स्ट्रगल और बंदीबाजी? वही तो भाई, वही तो बात है। हेलो। हाँ मैं कार्तिक आर्यन बोल रहा हूँ, मुझे एक स्टेटमेंट देनी है मीडिया में। अपना मुंह बंद करने के लिए 5 दवाएं, उनको अभी आराम से क्रिटिसाइज करेंगे। मूविंग ऑन, फिल्म के अंदर लीड पैरेलल में है सारा अली खान। सारा अली खान प्ले करती है कैरेक्टर का नाम है जोई चौहान, और वो बेसिकली एक स्ट्रगलिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है जो कि बहुत ही करियर ओरिएंटेड लड़की है। आपने ये गलत बक दिया। क्या सही बात यह है कि वो मैनेजमेंट कंपनी नहीं चलाती है, वो एक इवेंट मैनेजर बनना चाहती है और बहुत बड़ी कंपनी में जाने के लिए ट्राई कर रही है। वो मालकिन नहीं है किसी कंपनी की। 9-10 के शो पे जब इंसान 10:15 बजे आता है ना, हाँ, तो उसको नहीं पता चलता पहले क्या हुआ है। आप एक काम करें, आधा किलो गोबर खा लें, शायद आपका दिमाग चलने लगता है, स्टोरी भी याद आ जाएगी। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। इसके अलावा फिल्म के अंदर है रणदीप हुड्डा जो कि चलाते हैं कैफे, बड़ा इम्तियाज अली की पिक्चर और कूल कैफे नाउ, सोशल हिट कर दिया भाई ने तमाशा में। भाई साहब सोशल गए हो आप कभी? हाँ? भाई साहब जेल जैसी प्लेटों में खाना देते हैं और लोग पैसा देते हैं उस पे खाने के। चिदंबरम गया है? कह रहा आई एम मिसिंग, फोमो हो रहा है मुझे जेल का, याद ही नहीं आई उनको ऐसा। हाँ, सोशल में बैठा हूँ, बिल्कुल लग नहीं रहा है। लेकिन उनकी जवानी कार्तिक आर्यन ने प्ले की है। रणदीप हुड्डा खुद जवान है। हाँ। लेकिन उनकी जवानी कार्तिक आर्यन ने प्ले करी है। बेसिकली रणदीप हुड्डा एक कैफे चलाता है, इस कैफे का नाम है माजी, विच एक्चुअली मींस पास्ट इन उर्दू, एंड दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिलेवेंस टू डू इन द ओवरऑल नैरेटिव ऑफ द फिल्म। इसी फिल्म में डेब्यू करा आरुषि शर्मा ने जो कि प्ले करती है लीना। बेसिकली शी इज अ गर्ल दैट कार्तिक आर्यन एंड रणदीप हुड्डा आर इन लव विद, एंड शी इज डन अ वेरी गुड जॉब ऑन द स्क्रीन। बहुत ही प्रॉमिसिंग उनका करियर लग रहा है, देखे एक्चुअली उनको मजा आता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर है सिमोन सिंह सिया। सिमोन सिंह वही है जिनको आपने संतूर की एड में मम्मी बनते हुए देखा हो, यहाँ पे भी वो मम्मी बनी है लेकिन एक बड़ी बच्ची की। सारा अली खान, हाँ बड़ी बच्ची हो गई सारा भाई। सारा अब छोटा बच्चा अली खानदान में तैमूर है।
फिल्म की कहानी दो कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरीज की, दो जनरेशन और दो एराज में, और इवेंचुअली कैसे वो दोनों कहानियां सेम है या मिलती जुलती इसको फिल्म में दिखाया गया है। मतलब वही दिखाया गया है कि प्यार करना न तब आसान था, आज आसान है और न कल आसान। कल का तो पता नहीं, कल तो मुश्किल ही होने वाले जैसे हालात चल रहे। कल किसने देखा भाई? मैं अप्लाई किया इस साल बजरंग दल ज्वाइन करने के लिए, लग रहा है। मैंने कहा बजरंग दल के लिए कैन आई वर्क फ्रॉम होम, कह रहे नो, कह रहे ओनली ऑन साइट। दैट वर्क फ्रॉम होम सिर्फ आईटी सेल वाला, आपकी तो यू हैव टू कम ऑन ग्राउंड, फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब है। और पेमेंट भी उनकी सोचो कैसे होती होगी, जो लग जाए जो हाथ लग जाए। फिल्म के अंदर जो पुराना वाला जमाना दिखाया गया है वो उदयपुर के अंदर स्टोरी बेस्ड है, जहाँ पे की एक दो निब्बा निब्बी होते हैं स्कूल के, और उन्हें आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर वो पहली बार जाते हैं मिलने किधर, एक किसी पुराने किले में, और वही चिड़ी जैसे एक आदमी आता है और अपना मशहूर पहले किस होती है वो, बिल्कुल किस क्या हो तो पैक हो गई, हाँ बिल्कुल पैक, पैक ऑन लिप्स, लिप्स पैक, लिप्स पैक एक छोटा सा होता है। वहीं पे आते हैं जनरल बक्की टाइप के अंकल सिक्योरिटी गार्ड बनके और कहते हैं कि ये कोई खाना नहीं है जो यहाँ ये कर रहे हो, मुझे उनके टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासतौर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं, ये कोई आ रहा है। और पलट के कार्तिक आर्यन भी कह देता है, कार्तिक आर्यन कह रहा है वो तो मुझे पता है ये किला है। वो कहाँ पे, वो तो राजू ने बताया, तीन नंबर गली कहाँ है। ये राजू की इसी हरकतों से चला नहीं इनका शो राजू एंड राजू, यार आज इनका नाम मुंह परमानेंटली बंद कर ही दो, ये वीडियो के बाद सब यूट्यूब पे सर्च करके देखना राजू एंड राजू। उनका प्यार परम नहीं पा रहा बिकॉज 90s की सोसाइटी है, उदयपुर की सोसाइटी अभी भी काफी कंजर्वेटिव है, अगर लड़का लड़की किसी के साथ बात करते दिख जाए तो गाँव में किससे चल गया कि भैया पेट से कर दिया, उल्टी कर रही, ये है वो है। जबकि थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लग रहा है, क्यों कि राजस्थान में बेस्ड है वो, बच्चे 14-15 साल के हैं तो आइडियली तो वो 7-8 साल लेट चल रहे हैं। 90s की कहानी हो गई ना भाई, भाई आनंदी की 2008 में शादी हुई है, 15 की उम्र में तो दो तलाक हो गए थे आनंदी, तो के देख रहे हो आनंदी क्या क्या करती जगिए के साथ। बट हाँ वहाँ पे ये है कि उनके प्यार को पनपने नहीं दिया जा रहा, और तभी मैं सोचता हूँ कि अगर वो आधा किलो गोबर खा लेते तो शायद प्यार पनप जाता। भाई दूसरी स्टोरी चल रही है सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की दिल्ली में, जहाँ की सारा अली खान एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड फोकस लड़की है, एंड व्हाट डज अ करियर ओरिएंटेड एंड फोकस गर्ल डू डज दीस डेज, तो दे गो टू चांदनी चौक बाय रिंग लाइट एंड मेक टिकटॉक। सारा अली खान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वही उनका हुकअप होते होते रह जाता नए वाले कार्तिक आर्यन से, बिकॉज कार्तिक आर्यन कहते हैं वी आर अंडर यूटिलाइजिंग दिस मोमेंट, दुनिया का पहला बंदा है लड़की कपड़ा इसे मिल रही है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं आता। एनीवे वहां से कार्तिक आर्यन वही करते हैं जो हर प्यार में पड़ा आशिक फिल्मों में करना चाहता है, नहीं नहीं स्टॉकिंग। ओह बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव अगेन, तब तक स्टॉक करो जब तक सामने वाली अनकंफर्टेबल ना हो जाए, और उसके बाद भी करो। कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, हाँ हसीना मान जाएगी। बस सारा एक कोवर्किंग स्पेस में काम करते हैं, उनके मालिक है रणदीप हुड्डा, और वहीं कार्तिक आर्यन आ जाते हैं उनके साथ काम करने, और रणदीप हुड्डा देख लेता है गाइस, बट रणदीप हुड्डा जाके सारा को समझाता है कि देखो ही इज अ नाइस गाय, ही लव्स यू, फिल्में थोड़ी बेकार करता है लेकिन लड़का अच्छा है, स्टेटमेंट पे की देता है मीडिया में, बट लड़का अच्छा है, तुम्हारे साथ तो उसके अफेयर की खबर भी उड़ा रखी है हमने मीडिया में, बट लड़का अच्छा, लड़का अच्छा। हेलो हेलो हाय कार्तिक, हु इज दिस कार्तिक, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। इम्तियाज हूँ, अरे इम्तियाज जब भी मेट वाला इम्तियाज, ओ अच्छा हैरी मेट सेजल वाला इम्तियाज, रख तेरी माँ का रख। बट जो सब बात करें जेन्युइनली अच्छा लगता है फिल्म के कैरेक्टर्स को देखकर, बहुत सी फिल्म के कैरेक्टर्स ऐसी हरकतें करते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट उनकी जो डेफिनेशन है उनकी जो जस्टिफिकेशन मोटिवेशन है वो बिल्कुल कम अक्रॉस करती है परफेक्टली। और काफी सीरियस बातें हो गई तो मैं एक जोक क्रैक कर देता हूँ गाइस, की फिल्म के अंदर एक गाना है हाँ मैं गलत गलत मेरी बातें, यही गाना आजकल दिल्ली में भी काफी नेता गा रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली उनके हिसाब से कैंपेन जो है थोड़ी सी गलत हो गई। यही दो नैरेटिव्स पैरेलली चल रहे हैं जहां दो कंफ्यूज कैरेक्टर्स हैं और दो बहुत ही ग्रे कपल्स हैं और अपनी लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इवेंचुअली क्या होता है दोनों के बारे में वो हम आपको नहीं बताएंगे बिकॉज वो स्पॉइलर है। और अगर आप सोचते हैं कि फिल्म लव आजकल की तरह रोम कॉम लाइट स्पेस कॉमेडी होगी तो बिल्कुल नहीं है गाइस, इट्स अ वेरी इंटेंस एंड वेरी सीरियस फिल्म, आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देगी। जी हाँ, बाकी इस फिल्म के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हर इम्तियाज अली फिल्म के अंदर आपको मिल जाएंगी। मैं पहले 2 घंटे सोच रहा था कि पिक्चर चल रही है यार, कोई पहाड़ों पे नहीं गया, हाँ। तभी कार्तिक आर्यन आके कहता है कि मेरी नौकरी लगी कहाँ, हिमालय पे। इम्तियाज अली के हिसाब से सारी लाइफ का प्रॉब्लम है पहाड़ों में चले जाओ। कुछ भी परेशान, पढ़ाई यहीं से की है ना भाई ने, KMC से, हाँ, तो DU में स्टैंडर्ड यही है कि मालूम है कहाँ पे क्या, या तो चले जाओ शादीपुर उधर मिल जाएगा माल, नहीं तो फिर पहाड़ चले जाओ, नहीं तो सीधे पहाड़ जाओ ब्रो कसौल। So here are the 3 things we liked about the film. First thing तो यही है कि
फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा रियल है, उसमें ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो उस थॉट प्रोसेस से आप गुजरते हैं। सेकंड थिंग दैट वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द फिल्म वाज एक्चुअली वेरी नाइस। जहां पर फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए कि वुमेन कैरेक्टर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। नन ऑफ द कैरेक्टर्स आर वीक डिस्पाइट बीइंग शाय साइलेंट, द कैरेक्टर्स स्टिल वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रांग। एंड थर्ड थिंग वी लाइक अबाउट द फिल्म इज दैट कि फाइनली कार्तिक आर्यन ने एक फिल्म में महिलाओं की इज्जत की है, देख के आंखों को सुकून मिला। एंड परफॉर्मेंसेस भी फिल्म की बुरी नहीं है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट रणदीप हुड्डा एंड आरुषि शर्मा, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट रही है पानी की तरह बहे, बहुत स्मूथ लगे। आरुषि शर्मा लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ हर इन इंडियन सिनेमा। एंड थ्री थिंग्स वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म, पहली चीज तो कि फिल्म बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत ज्ञान पेलती है, बहुत ही वर्बोस फिल्म है, लोग बोले जा रहे हैं, डायलॉग हैवी फिल्म है, बट दैट इज टेक्निकली इम्तियाज स्टाइल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ी देर मैंने कहा भाई चुप हो जा। सेकंड थिंग वी डिड नॉट लाइक इज फिल्म इज नॉट एंटरटेनिंग, मतलब उसका वो जॉनरा ही नहीं है, इट इज थोड़े ऐसे सेंसिटिव है, आपको थॉट प्रोवोक करेगी, पर मतलब अगर वैलेंटाइन्स पे जाना है तो बाहों में बाहें डाल के देखने वाली फिल्म तो ये नहीं है। और तीसरी चीज, इम्तियाज अली की पिक्चरों में अब तक जितना बढ़िया म्यूजिक रहा है राइट फ्रॉम जब वी मेट, दिस आई थिंक इज द वीकेस्ट ऑफ इम्तियाज अली एल्बम। और बाकी प्रथा के हिसाब से रेटिंग भी दे देते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें इसे वही रेटिंग देनी पड़ेगी जो हमने मलंग को दी थी। मलंग से बेटर है बट इट्स स्टिल इज योर मनी इज योर मनी, नॉट फॉर मनी, नॉट द राइट फिल्म फॉर द राइट मूड। तो दोस्तों हम आ चुके हैं थिएटर के बाहर, और क्या बात है सर, कैसी लगी फिल्म आपको, किसके साथ देखी? फिल्म तो फुल एंजॉय करी अपने वैलेंटाइन के साथ। आपका वैलेंटाइन कौन है बताइए जरा? सिंगल है। समझ गया मैं, मतलब अकेले ही हैं आप भी। ऐसा क्यों मुंह बना रही है? सिंगल भाई, चॉइस है हम, स्वैग से सोलो। अच्छा, पहले तो अपने जलवे हुआ करते थे यार। मैं पहले आपकी थी लाइफ में कोई? मैं सच्चा प्यार था हमारा। बताइए थोड़ा क्या? मैं छज्जा टाप के उसके घर जाता था। हाँ? दोनों बातें करते थे। हाँ? एक दिन उसके भाई ने पकड़ लिया मेरे को, मारा मेरे को। अरे मैं फिर गया। हाँ? मैं फिर छज्जा टाप के गया। हाँ? मैंने फिर बात करी। हाँ? उसके बाप ने पकड़ लिया फिर मारा। अरे लेकिन भड़वे, सच्चे प्यार में ना ताकत होती है। ये तो सच कहा सर आपने। एक बार पुलिस ने गांड तोड़ी तो फिर जाना बंद करना पड़ा। ओ सर, मतलब उसके बाद फिर आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ होगा ना? उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, लड़कियों ने इतना प्यार किया यार हमें। कितना? बड़े भाई 7-7 दिन अंडरग्राउंड रहना पड़ता है मेरे को इस वीक में। हाँ क्यों? इतने टेडी आ जाते हैं, इतने वो चॉकलेट आ जाती है, वॉलमार्ट खुलवा रखा मैंने चॉकलेट का, आइयो कभी तेरे को दूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ अबे इतने प्रपोज आ गए थे एक दफे तो मेरे को वो NPR रखना पड़ा। NPR का इससे क्या मतलब है? वो क्रोनोलॉजी वाला NPR नहीं है, नेशनल प्रपोज रजिस्टर। इतने प्रपोज आ गए, मुनीम बिठा के रजिस्टर रखवाना पड़ा मेरे को। मैं समझ गया सर आपका हिसाब किताब, हत्ती भर का दम नहीं हम किसी से कम नहीं। ओ बड़े क्या बोल लिया? ये सच बोल रहा हूँ। सच बोल लिया? हाथ दिखा, काफी मुलायम है, तेरे को हत्ती की ताकत दिखा दो। अरे नहीं सर। आ जा बेटा, आ जा। अरे मजा नहीं सर, मैं टिश्यू ले मेरे पास। So that was three of us on yet another episode of Old Famous Honest Reviews. I hope हमेशा की तरह आपको मजा आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज भर भर के करें। जल्दी से हिट करते हैं हम लोग 1 million सब्सक्राइबर्स को, ठीक है? Yes. Follow us on Instagram. Yes. बाकी दोस्तों, पहला डिजिटल ओनली सिंगिंग रियलिटी शो आ चुका है, इट्स कॉल्ड स्म्यूल आईडीवा 1-2-3 रियाज। उसमें हम लोग रूट कर रहे हैं जस्सी के जांबाज को। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी चेकआउट कर सकते हैं और आप भी गा सकते हैं जस्सी गिल के साथ। और एक डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। थेपला, फाफड़ा, जलेबी, आधा किलो गोबर खा ले साले, अकल आ जाएगी तुझे बैंक, मेक्सिको से चिड़ना बंद कर देगा तू।